हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स लेक्चर 16 पपाया, हिंदी में जिसे पपीता कहते हैं। इन दिस लेक्चर आई विल कवर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सोयल, क्लाइमेट, प्रोपोगेशन, वराइटीज, प्लांटिंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग, हाउ टू रिमूव मेल प्लांट्स, सेक्स आइडेंटिफिकेशन, हार्वेस्टिंग, ईल, हाउ टू गेट जा हाउ टू एक्सट्रैक्ट पेपेन फ्रॉम पपाया प्लांट, देन प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पपाया, जिसे अपने हिंदी में पपीते के नाम से जानते हैं, इसे मेलन ट्री भी बोल देते हैं। मेलन मतलब जैसे ककड़ियाँ पेड़ पे लगी हुई होती है, या ककड़ी वाला ट्री भी कह सकते हो, पेड़ कह सकते हो, ठीक है, जिस पेड़ के ऊपर जो ककड़ियाँ लगाता है ऐसा पेड़, ठीक है। मेलन मेलन होता है, जैसे मस्क मेलन जिसको आप खरबूजा बोलते हो, तरबूज बोलते हो, सेम ऐसे ही ये भी पेड़ के ऊपर ककड़ियाँ या ककड़ियाँ लगी हुई रहती हैं, इसीलिए इसको भी ककड़ी वाला पेड़ कह देते हैं, ठीक है। बोटनिकल नेम, जो वानस्पतिक नाम है इसका, कैरिका पपाया है। फैमिली कैरिकेसी है इसकी। क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं इसके, यानी कि डिप्लोइड गुणसूत्र संख्या जो इसकी है वो 18 होती है। ओरिजन इसका ट्रॉपिकल अमेरिका और मैक्सिको कह सकते हो इसको, ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर मैक्सिको, ठीक है। कैरिका कैंडामासेंसिस माउंटेन पपाया, जो कैरिका कैंडामासेंसिस है जिसको माउंटेन पपाया कहते हैं, इसको भी कई जगहों पे कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर को ज़्यादा अच्छे तरीके से सहन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कैरिका पपाया, ठीक है। कई जगहों पे इसको भी कल्टीवेट उगाया जाता है। इधर पिक्चर में भी ये आपको माउंटेन पपाया है, जो उसकी पिक्चर है ये साथ में। फिर है फ्रूट टाइप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप बेरी, इसका जो फल प्रकार होता है वो बेरी होता है, ठीक है। एडिबल पार्ट मिजोकार्प, इसमें जो खाने वाला भाग है वो मिजोकार्प खाई जाती है। इन्फ्लोएसेंस सोलेटरी होता है, जहाँ कह लो एकल, और साइमोस का ही एक टाइप है ये सोलेटरी। बियर्स ऑन करंट सीजन ग्रोथ एक्सिलरी, इसके जो फल लगते हैं, जब फूल लगते हैं, वो जो नई ग्रोथ होती है उसी सीजन की, वर्तमान मौसम की जो नई ग्रोथ होती है वहाँ पे एक्सिलरी लगते हैं, जो लीफ होती है लीफ के एक्सिल या धुरी के अंदर फल या फूल लगते हैं, ठीक है। जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, हर पत्ती के साथ में एक फूल वाली कली है, वहाँ से फूल निकलता है और फल बनता है, ठीक है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, जैसे मैंगो है, बनाना है, सेम ये भी क्लाइमेट्रिक होता है, तोड़ने के बाद पकता है, इसका जो रेस्पिरेशन रेट होती है तोड़ने के बाद एकदम से इंक्रीज होती है, बढ़ती है। पपाया इस पॉलीगैमस प्लांट, पॉलीगैमस मतलब होता है हैविंग मेल फीमेल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, आल्सो कॉल्ड पॉलीगैमोनोसियस और ट्राईमोनोसियस। जो पॉलीगैमस होता है इसका मतलब होता है कि मेल यानी कि नर, मादा और जो कंप्लीट फ्लोवर होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लोवर में पाए जाएं, ऐसे फ्लोवर, तीन टाइप के फ्लोवर, जिसमें एक तो अकेले नर, अकेले मादा और जिसमें दोनों अगण पाए जाते हैं, ऐसे फ्लोवर, तीन टाइप के फ्लोवर एक ही पौधे पे पाए जाते हैं, उनको पॉलीगैमस कहा जाता है। वैसे जो पपाया है इसमें तीन फॉर्म देखने को मिलेगी आपको, गाइनोडाइसियस वराइटियाँ भी होंगी इसकी, डायोसियस वराइटियाँ भी होंगी, इसके साथ ही आपको इसकी हर्माफ्रोडाइट वराइटीज हैं, जिसको बायसेक्सुअल कह देते हो, वो किस्में भी इसकी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब सेक्स फॉर्म में तीनों टाइप की इसमें सेक्स फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे ये अगर आपने कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप किसी कम्पिटिटिव के अंदर, तो वहाँ डायोसियस लिखना होता है कि जो पपीता है वो डायोसियस होता है, एक्चुअल में वो डायोसियस होता है, मतलब मेल अलग होता है प्लांट और फीमेल प्लांट अलग होता है। जैसे खंजूर के अंदर या डेट पाम के अंदर आपको देखने को मिलता है, मेल फ्लोवर वाला प्लांट अलग होता है, फीमेल फ्लोवर वाला प्लांट अलग होता है, पर इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि गायनोडायोसियस हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट हैं, ठीक है, पर नेचर वाइज ये डायोसियस है। मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, जो पपीते का ज़्यादातर उत्पादन या कह लो कि क्षेत्रफल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र है उगाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील, जो पपीते का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है।
इंडिया रैंक फोर्थ इन द वर्ल्ड इन पपाया प्रोडक्शन, भारत का चौथा स्थान है विश्व के अंदर पपीते के उत्पादन के अंदर। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आफ्टर बनाना, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे बनाना की आती है, ठीक है। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादकता, प्रति यूनिट उसकी जो उत्पादन होता है वो, और दूसरे नंबर पे पपीता आता है जिसकी उत्पादकता ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू NHB डाटाबेस 2018, एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ पपाया आर 138,000 हेक्टर एंड 5989,000 मैट्रिक टन रिसेप्टली इन इंडिया, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का डाटाबेस है 2018 का, ठीक है। उसके अनुसार जो पपीते का क्षेत्रफल है वो 138,000 हेक्टर है इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो इसका प्रोडक्शन है वो है 5989,000 मैट्रिक टन, ठीक है। पपाया इज प्रोपोगेटेड कमर्शियली बाय सीड, जो पपीता है उसका जो व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, मतलब उसको बेचने के लिए या कह लो कि उसको प्लांटिंग करने के लिए, वो बीज से किया जाता है, ठीक है। याद रखना, पहला पौधा ऐसा अभी तक आया कि जिसको बीज से उगाया जाता है, सीड से, वेजिटेटिव मीन से नहीं उगाया जाता, ठीक है। सीड रेट 250 to 300 ग्राम पर हेक्टर, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टर गाइनोडाइसियस वैरायटियों के लिए, ठीक है। गाइनोडाइसियस समझ गए हो, चलो मैं गाइनोडाइसियस बारे में बता दूंगा। और 400 to 500 केजी पर हेक्टर डायोसियस वैरायटियों के लिए, जो बीज दर है इसकी 250 से 300 ग्राम पर हेक्टर जो गाइनोडाइसियस वैरायटियां होती हैं उनके लिए, और 400 से 500 किलो पर हेक्टर डायोसियस वैरायटियों के लिए। अब सीड रेट में भी अंतर क्यों है, गाइनोडाइसियस वैरायटियों से मतलब होता है जिसमें पिस्टिलेट फ्लोवर और जो बाइसेक्सुअल फ्लोवर होते हैं सेम पौधे पे लगते हैं, मतलब फीमेल फ्लोवर, ठीक है, और जो बाइसेक्सुअल फ्लोवर होते हैं सेम पौधे पे आते हैं, दो टाइप के फ्लोवर सेम पौधे पे होते हैं, वो किसमें गाइनोडायोसियस कहलाती है, मतलब जिसमें गाइनोशियम वाला भाग वाला जो फ्लोवर होता है वो भी, और जो एक पूरी तरह से परफेक्ट फ्लोवर होता है, ठीक है, जिसको आप बाइसेक्सुअल फ्लोवर कहते हो, वो फ्लोवर दोनों ही हर्माफ्रोडाइट फ्लोवर कह लो जहाँ पे, ठीक है, दोनों फ्लोवर एक ही पौधे पे पाए जाएँ गाइनोडायोसियस। इनको इनकी सीड रेट कम क्यों होती है, क्योंकि इनमें अलग से मेल प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मेल प्लांट प्रोड्यूस नहीं करती, ये खुद में ही अपने आप ही पोलिनेट हो जाती है, क्योंकि इसमें परफेक्ट फ्लोवर भी हैं और फीमेल फ्लोवर भी हैं। परफेक्ट फ्लोवर के पोलन मेल सॉरी फीमेल और जो खुद का फ्लोवर है उन दोनों को पोलिनेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें सीड रेट कम रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेल फ्लोवर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। जबकि जो डायोसियस वैरायटियां होती हैं, डायोसियस में क्या होता है कि इसमें 50% मेल फ्लोवर मेल प्लांट उगते हैं और 50% ही फीमेल प्लांट उगते हैं, ठीक है। तो दोनों का रेशियो भी रखा जाता है जब प्लांटिंग करते हैं, लगभग 5 to 10% जो मेल प्लांट लगाए जाते हैं और चार्ड के अंदर जहाँ पे बाग लगाते हैं, तो उसमें 50% आपको पहले ही पता है कि उसमें से 50% तो मेल हैं, उसमें से फिर अपने को रिमूव भी करने पड़ेंगे जो मेल फ्लोवर मेल प्लांट होंगे, ठीक है। इतने प्लांट जो 50% रखने का क्या फ़ायदा, अपने को तो ओनली 5 to 10% ही रखने हैं, 5 से 10% ही रखने हैं, 50% पैदा हो रहे हैं तो उनको तो अपने उखाड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी सीड रेट थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है जो डायोसियस वैरायटियाँ होती हैं, गाइनोडायोसियस या फिर हर्माफ्रोडाइट वैरायटियों की तुलना में। हर्माफ्रोडाइट में तो मेल फीमेल का कोई दिक्कत ही नहीं है, उनमें तो अकेली सिंगल प्लांट रहना है, ठीक है। और डायोसियस में मेल प्लांट है जो वो 50% उगेंगे साथ में, और उनको अपने बाद में रिमूव करना पड़ेगा जब प्लांटिंग करेंगे, प्लांटिंग करके उसके बाद जब फ्लोवरिंग। 1 ग्राम बराबर 20 सीड्स ऑफ पपाया, 1 ग्राम बराबर 20 बीज आ जाते हैं, या कह लो कि 1 ग्राम बीज के अंदर, ठीक है, 20 बीज होते हैं पपीते के अगर तोला जाए तो। द सीड्स आर सराउंडेड बाय जिलेटेनियस सर्कोटेस्टा, जो बीज होते हैं वो एक जेल जैसी जिलेटेनियस सर्कोटेस्टा से कवर किए हुए रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। आपने कभी भी ताजे बीज देखे होंगे, पपीता काटा होगा तो उसके अंदर बीज बहुत ही चमकीले से लिसलिसे से होते हैं, ठीक है, चिपचिपे से होते हैं, तो बीज ऊपर से एक लेयर से कवर होते हैं जिसको जिलेटेनियस सर्कोटेस्टा कहा जाता है, ठीक है। वेयर डायोसियस वराइटीज आर कल्टिवेटेड 10% ऑफ मेल प्लांट आर प्लांटेड विद दैम, जहाँ पे भी डायोसियस किस्में उगाई जाती हैं, मतलब जहाँ पे डायोसियस कल्टीवेशन की जाती है ऐसी किस्मों की, वहाँ पे 10% नर पौधे
भी रोपित किए जाते हैं मेन फील्ड के अंदर, ठीक है, और चार्ट के अंदर 10-10% मेल पौधे लगाए जाते हैं। उसके बाद है पेपेन कंटेन 72.2% प्रोटीन। जो पेपेन होता है, पेपेन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा क्या होता है, पेपेन के अंदर 72.2% प्रोटीन होता है, ठीक है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द ड्राई लेटेक्स ऑफ पपाया इज पेप्सिन, ठीक है। जो ड्राई लेटेक्स होता है, सूखा हुआ जो द्रव होता है, लेटेक्स होता है पपीते का, उसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन पाया जाता है। अब नीचे पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जो कच्चे फ्रूट होते हैं उनको चीरा लगा के उनमें से दूध निकाला जाता है, एक वाइट कलर का लेटेक्स निकालते हैं जिसको पेपेन कहते हैं, ठीक है। इसको अपने मैं आगे और बताऊंगा कि कैसे इसको निकाला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए लेते हैं कि पेपेन को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं पपीते के अंदर, अपने जो कोर्स चल रहा है इसके अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी प्रोसेस तुम्हें लास्ट में से बताऊंगा कि क्या होती है, तो याद रखना। तो इसके अंदर प्रोटीन होता है 72.2%, और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है इस लेटेक्स के अंदर वो पेप्सिन पाया जाता है। येलो कलर इन पपाया कैरिका जैंथिन के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। कार्पिन ऑब्टेंड फ्रॉम पपाया इज यूज्ड एज डायूरेटिक एंड हार्ट स्टिमुलेंट। पपीते के अंदर कार्पिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो कि डायूरेटिक होता है, मूत्रवर्धक होता है और हार्ट स्टिमुलेंट होता है, कहने का मतलब कि हृदय को उत्तेजित करने वाला होता है। फ्रॉस्ट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग या फिर लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया। फ्रॉस्ट होता है पाला, पाला कह लो कि एक सीमित कारक होता है कि कल्टीवेशन जो नॉर्थ इंडिया के अंदर इसकी नहीं की जाती, उसके अंदर एक बाधक होता है, कहने का मतलब कि पाला कल्टीवेशन नहीं करने देता उत्तरी भारत के अंदर पपीते की, पाला इसके लिए हानिकारक होता है, कहने का मतलब पाले के अंदर इसकी कल्टीवेशन नहीं की जा सकती। कुछ हद तक जो माउंटेन पपाया है, ठीक है, उसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा यह कि पाला पड़ेगा तो पपीता प्रोडक्शन में नहीं आएगा और जल जाएगा पौधा। डैम्पिंग ऑफ इज ए मोस्ट सीरियस डिजीज इन पपाया सीडलिंग्स। जो डैम्पिंग ऑफ है, ये डिजीज के अंदर मैं बताऊंगा क्या होती है, तो याद रखना जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी है, ये बीमारी पपीते की जो बीज सीडलिंग्स होता है, पौधे पौध तैयार करते हैं, तब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, सीरियस बीमारी होती है, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ जब पौध तैयार करते हैं उस समय। पपाया प्लांट्स आर ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब पानी का जो भराव रहता है उससे भी ससेप्टिबल होता है, मतलब पानी का भराव खेत के अंदर नहीं रहना चाहिए, इससे क्या होता है कि कॉलर रॉट जंक बहुत सी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। पपाया इज ए थर्मोसेंसिटिव क्रॉप। पपाया जो है वो थर्मोसेंसिटिव फसल होती है, ताप रागी कह सकते हो कि इसको तापमान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। पपाया क्लाइमेट, ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट। पपाया इज ए ट्रॉपिकल प्लांट। पपाया जो होता है पपीता वो ट्रॉपिकल प्लांट होता है, ट्रॉपिकल समझते हो, जैसे साउथ इंडिया का मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि साउथ इंडिया का जैसा टेम्परेचर रहता है जहाँ पे हॉट भी रहता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, आर्द्रता भी ज़्यादा होती है और हॉट भी ज़्यादा होता है, मतलब फील ज़्यादा होती है, वैसा क्लाइमेट इसकी खेती के लिए उत्तम रहता है जहाँ पे माइल्ड समर और विंटर रहता है। कल्टिवेशन इज डन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 1200 meters अबव सी लेवल। जो इसकी कल्टिवेशन की जाती है वो 1000 to 1200 meters समुंदर तल से ऊंचाई पे की जाती है। 22 to 26 degrees Celsius टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर पपाया। टेम्परेचर बिलो 10 degrees Celsius इज हार्मफुल। 22 to 26 degrees टेम्परेचर है पपीते की खेती के लिए उत्तम रहता है, इतने तापमान में इसकी खेती की जाती है, परंतु अगर तापमान 10 degrees Celsius से कम रहता है तो इसके लिए हार्मफुल है, मतलब पाला, कहने का मतलब जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाता है वो इसकी खेती के लिए ठीक नहीं है। एनुअल रेनफॉल 1500 to 1800 mm। जो वार्षिक वर्षा है वो लगभग 1500 to 1800 mm होनी चाहिए उस क्षेत्र के अंदर। माउंटेन पपाया टॉलरेंट टू लो टेम्परेचर एंड ग्रो एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 to 2000 meters। द फ्रूट इज अबाउट 8 to 10 centimeters लॉन्ग एंड राइपन मेनली फ्रॉम मई टू अगस्त। जो माउंटेन पपाया है, जिसका मैंने पहले भी बोटनिकल ने बताया था कि ये कम तापमान को सहन कर सकता है, तो ये कम तापमान को सहन कर सकता है और इसे समुंदर तल से लगभग 1500 to 2000 की ऊंचाई तक इसको कल्टीवेट किया जाता है, और इसे इसके जो फल की लंबाई होती है वो 8 to 10 centimeters लंबे होते हैं, और इसकी जो ये फल पकते हैं वो मई से अगस्त के अंदर इसके फल पकते हैं, ठीक है।
सोयल वेल ड्रेन सैंडी लोम सोयल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जो इसके लिए मिट्टी है वो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ भरपूर हो, वो इसकी खेती के लिए उत्तम रहती है। पीएच मिट्टी का लगभग 6 to 7 होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। कैल्शियम रिच एंड स्टोनी सोयल इन विच ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड लेस आर नॉट सुटेबल, कैल्शियम वाली जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, या फिर पथरीली हो, या फिर ये कह लो कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो, ऐसी मिट्टी इसकी खेती के लिए जहाँ हार्मफुल कहती है, जहाँ सुटेबल नहीं होती, ठीक है, इसकी खेती नहीं की जाती है इससे क्षेत्रों में। वराइटीज़ जो इसकी किस्में हैं, इसमें गाइनोडायोसियस वराइटीज़, गाइनोडायोसियस समझ गए होगे, ठीक है, ऐसी किस्में जिसमें एक तो फीमेल फ्लोवर और बायसेक्सुअल फ्लोवर एक ही पौधे पे आते हैं, ऐसी किस्में जिसमें पूसा डेलिसियस, ठीक है, फिर है पूसा मजेस्टी हाईएस्ट पेपेन यील्डर, जो पूसा मजेस्टी है जिससे सबसे ज़्यादा पेपेन मिलता है, याद रखना पेपेन कई बार पूछ लेते हैं कि पेपेन के लिए सुटेबल किस्म कौन सी है, वैसे CO5 है, तो याद रखना हाईएस्ट पेपेन यील्डर में पूसा मजेस्टी भी आ जाती है, डुअल पर्पज़ किस्म है ये। इसके अलावा CO3, ठीक है, ये टेबल पर्पज़ के लिए सुटेबल है। इसके अलावा कुर्ग हनी ड्यू, ठीक है, सिलेक्शन फ्रॉम हनी ड्यू, यानी कि हनी ड्यू को कई बार मधुबिंदु भी बोल देते हैं, नाम इसका मधुबिंदु भी है हनी ड्यू का, ठीक है, और ये हर्माफ्रोडाइट किस्म है, कुर्ग हनी ड्यू हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब बायसेक्सुअल फ्लोवर पैदा करती है, मेल और फीमेल दोनों जो ऑर्गन होते हैं एक ही फूल के अंदर बनते हैं इसके अंदर। इसके अलावा सनराइज सोलो, जिसकी पिंक फ्लैश प्रोड्यूस नो मेल प्लांट, जो सनराइज सोलो है उसके अंदर जो फ्लैश होती है, अंदर का जो गुद्दा होता है वो पिंक रंग का होता है, दूसरों में आपको ऑरेंज सा कलर का या रेड कलर का देखने को मिलेगा, इसमें लाइट सा पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा, और ये मेल प्लांट प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, इसमें मेल प्लांट प्रोड्यूस नहीं होते, इसके बीज से अगर इसको प्रवर्धित करते तो मेल प्लांट नहीं होंगे। ताइवान ब्लड रेड कलर, जो ताइवान किस्म है वो ब्लड रेड कलर की फ्लैश होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा सूर्या, इसके अलावा डायोसियस वराइटीज जो हैं, डायोसियस समझ गए होगे, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है, मेल फ्लोवर वाला प्लांट अलग, मेल फ्लोवर वाला प्लांट अलग, ऐसी किस्में पूसा जयंत सुटेबल फॉर टूटी फ्रूटी एंड कैंडीज, विंड रेजिस्टेंट होता है, मतलब जो पूसा जयंत है ये टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी समझते होगे, टूटी फ्रूटी चलो आपने पोस्ट हार्वेस्ट नहीं पढ़ा होगा, तो टूटी फ्रूटी आप चेरी खाते हो ना जिसको, उसको टूटी फ्रूटी भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे आइसक्रीम के ऊपर चेरी डाल के खाते हो, या फिर किसी जूस के अंदर या शेक के अंदर चेरी डालते हो, खाने वाली चेरी, ठीक है, फल की बात नहीं कर रहा, चेरी जिसको आप चेरी कहते हो लोकल भाषा में, छोटे-छोटे जो चकोर टुकड़े होते हैं जैसे पिक्चर में भी नीचे दिखाई दे रहे होंगे, उसको टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, ठीक है, एक्चुअल में उसका नाम टूटी फ्रूटी ही है। इसके अलावा कैंडीज, कैंडीज भी बनाई जाती है, ड्राई किया जाता है, ठीक है, मीठा जैसे ये है ऐसी ही कैंडी भी बनती है इसकी। इसके अलावा विंड रेजिस्टेंट होती है, विंड रेजिस्टेंट से मतलब होता है कि ये आंधी को भी सहन कर सकती है, एक हद तक इसका पौधा आंधी के अंदर भी खड़ा रहता है, टूटते नहीं है। इसके अलावा पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ, इसके अलावा पूसा नन्हा, ठीक है, पूसा नन्हा है ये एक्सट्रीमली ड्वार्फ है वैरायटी, एक्सट्रीमली ड्वार मतलब बहुत ही बोनी किस्म है, और सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, और जो सघन रोपण होता है उसके लिए बहुत ही सुटेबल किस्म होती है। इसमें जो प्लांटिंग्स की दूरी रखी जाती है 1.25 × 1.25 m² की रखी जाती है, मतलब 1.25 × 1.25 m की दूरी पे इसको प्लांट किया जाता है, और लगभग लगभग 6,000 प्लांट पर हेक्टर इसके लग जाते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पूसा नन्हा के अंदर कितने प्लांट एक हेक्टर के अंदर लग जाते हैं, तो याद रखना लगभग 6,000 पौधे एक हेक्टर के अंदर लगाए जा सकते हैं, और इसको पोर्ट पपाया भी कह देते हैं, मतलब पोर्ट के अंदर भी कल्टीवेट या किया लगाया जा सकता है, गमले के अंदर भी इसके पौधे को लगाया जा सकता है, तो पूसा नन्हा को लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा CO1 ये एक ड्वार्फ किस्म है, इसके अलावा CO2, ठीक है, इसके अलावा CO6 सेलेक्शन फ्रॉम पूसा मजेस्टी, CO6 पूसा मजेस्टी से निकली हुई किस्म है। इसके अलावा CO5 कल्टीवेटर मेनली फॉर पेपेन एक्सट्रैक्शन, जो CO5 है इसको मुख्यतः पेपेन के लिए ही उगाया जाता है, क्योंकि इसमें पेपेन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, पेपेन जो की यील्ड होती है जो 1500 से 1600 किलो पर हेक्टर, लगभग 1500 से 1600 किलो पर हेक्टर
पपेन की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सी दवाइयों के अंदर, औषधियों के अंदर इसको यूज किया जाता है, इसलिए पेपेन का जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुछ किस्में कुछ जगहों पे पेपेन के लिए ही उगाती हैं इनको। उसके अलावा है पिंक फ्लैश स्वीट, जिसका TSS 12 to 14 डिग्री ब्रिक्स होता है पिंक फ्लैश स्वीट का, ठीक है। इसके अलावा पंथ सीवन, इसके अलावा हथरस गोल्ड, इसके अलावा सनी बैंक, बेटी, इम्प्रूव्ड पीटरसन्स, ये किस्में। इसके अलावा हाइब्रिड किस्में भी हैं इसकी कुछ, जैसे CO3, ये CO2 × Sunrise सोलो का क्रॉस है, ठीक है। इसके अलावा CO4, ये CO2 × Washington का क्रॉस है। इसके अलावा CO7, ये है CO3 × Pusa deliciosa × Coorg Honeydew, तीन किस्मों का ये क्रॉस है CO7, ठीक है। ये कुछ हाइब्रिड किस्में थी इधर वाली। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन, प्रवर्धन, या फिर प्रसार कह लो, कैसे करते हैं। पपाया इज मेनली प्रोपोगेटेड बाय सीड, जो पपीता है वो मुख्यतः बीज से ही प्रवर्धित किया जाता है। सीड शुड बी सोन फ्रेश, जो बीज जो इसके उगाए जाते हैं वो फ्रेश बीज को ही उगाया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने पपीते में से बीज निकाले उसको उगा दिया जाता है। द वायबिलिटी ऑफ सीड इज लॉस्ट इन अबाउट 45 डेज, जो इसकी वायबिलिटी होती है वो 45 दिन बाद खो देता है बीज। मतलब 45 दिन की ही लाइफ होती है उसके बीज की, जैसे सिट्रस के अंदर भी बहुत कम रहती है, 1 वीक की, सॉरी 1 मंथ की ही रहती है, लगभग 4 वीक की रहती है, वैसे ही इसमें भी कम होती है। पीरियड टू सोविंग सीड्स आर ट्रीटेड विद सेरेसन एग्रोसन थायरम एट 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड। बोने से पहले बीजों को सेरेसन एग्रोसन या फिर थायरम, जो एक फंजीसाइड है, उनसे ट्रीट करके बोना चाहिए, क्योंकि इसमें डैम्पिंग ऑफ वाली बहुत समस्या रहती है, इसलिए बीजों को पहले से ही ट्रीट करके बोया जाता है। टाइम ऑफ सोविंग इज फरवरी टू अप्रैल इन नॉर्थ इंडिया, जो टाइम होता है बुआई का वो उत्तरी भारत के अंदर फरवरी से अप्रैल होता है। याद रखना, जो अभी टाइम बता रहा हूँ मैं, ये बीज बोने का है, मतलब क्या नर्सरी तैयार करने के लिए है। फरवरी से अप्रैल के अंदर उत्तरी भारत के अंदर इसके बीज बोए जाते हैं, और वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट्स जून टू द एंड ऑफ द अक्टूबर, और जो पश्चिमी और दक्षिणी भाग है वहाँ पे जून से लेके अक्टूबर के अंत तक बीजों की बुआई की जाती है, ठीक। उसके अलावा सीड रेट कितनी रखते हैं। डायोसियस जो किस्में हैं वो 400 to 500 ग्राम पर हेक्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, 400 से 500 ग्राम। डायोसियस में मेल प्लांट साथ में 50% उगते हैं, इसलिए इसकी जो सीड रेट होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। और हर्माफ्रोडाइट कह लो, या फिर आप इसकी जगह गाइनोडायोसियस वरायटियाँ लिख सकते हो, ठीक है, इनकी 200 to 300 ग्राम पर हेक्टर रखी जाती है। हर्माफ्रोडाइट की भी और गाइनोडायोसियस की लगभग 200 से 300 ग्राम पर हेक्टर बीज दर रखते हैं, क्योंकि इसमें मेल प्लांट की अलग से जरूरत नहीं पड़ती और ना ही ये प्रोड्यूस करें, ठीक है। इसके अलावा प्लांटिंग द पिट्स ऑफ 45 टू 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज आर डग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.8 × 1.8 और 2.0 × 2.0 मीटर फॉर ड्वार्फ वराइटीज एंड 2.4 × 2.4 मीटर फॉर टॉल वराइटीज। जो इसके खड्डे खोदे जाते हैं वो 45 से 60 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज के, ठीक है, खोदे जाते हैं, जो 1.8 × 1.8 मीटर की दूरी पे भी खोदे जाते हैं और 2.2 दूरी पे भी खोदे जाते हैं। ड्वार्फ किस्मों के लिए, जो बौनी किस्में, उनको उनके लिए स्पेसिंग कम रखी जाती है, और जहाँ पे टॉल किस्में होती हैं, लंबी किस्में कह लो, जिनके पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, लंबे बढ़ते हैं, उनके लिए 2.4 × 2.4 मीटर की स्पेसिंग रखी जाती है। ये खड्डे जो खोदे जाते हैं वो 2.4 × 2.4 मीटर की दूरी पे, पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी पे खोदे जाते हैं। फॉर डायोसियस वराइटीज सच एज CO1 और CO2 और CO6, 3 प्लांट्स आर यूजली प्लांटेड पर पिट्स। जहाँ पे डायोसियस किस्में होती हैं, डायोसियस मतलब जहाँ पे मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं, ऐसी किस्मों के अंदर, जैसे CO1 है, CO2, CO6 है, इनके अंदर एक खड्डे के अंदर लगभग लगभग 3 पौधे बोए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में अपने को जो भी अपने को लगा कि मेल प्लांट है उसको अपने उखाड़ सके, ठीक है, इसलिए पहले ही 3 प्लांट एक ही खड्डे के अंदर लगाती हैं। वेयर एज इन हर्माफ्रोडाइट वराइटीज 2 प्लांट्स पर पिट विल बी सफिशियंट। और वहाँ पे जहाँ पे हर्माफ्रोडाइट प्लांट किस्में उगाई जाती हैं, जहाँ उनकी प्लांटिंग करते हैं, जब रोपण करते हैं, तो वहां पे प्रत्येक जो खड्डा होता है उसके अंदर 2 पौधे लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी स्वस्थ होगा और अपने को लगा कि ये अच्छी ग्रोथ करेगा उसको रख लिया जाता है, और दूसरे को
उखाड़ देते हैं साथ में, बाद में जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होती है उसकी। ठीक है। प्लांटिंग टाइम, जनरली पपाया इज प्लांटेड ऑन ए क्लाउडी डे एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून और व्हेन इट इज ड्रिजलिंग। जनरली जो पपीते की प्लांटिंग की जाती है वो जनरली जहाँ तो जब बादलों वाला दिन होता है, मतलब बादल बहुत सारे होते हैं उस समय, मतलब ज़्यादा धूप में इसकी प्लांटिंग नहीं करते, कहने का मतलब। या फिर ये कह लो कि बिगनिंग ऑफ द मानसून, जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है उस समय, या फिर कह लो कि जब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट हो रखी होती है उस समय इसकी प्लांटिंग करते हैं। ठीक है। प्लांटिंग कैन बी डन डिफरेंट सीजन एक्सेप्ट फॉर हॉट समर, कोल्ड विंटर एंड पीरियड्स ऑफ हैवी रेनफॉल। प्लांटिंग जो इसकी की जाती है सभी सीजन के अंदर की जा सकती है, मतलब कभी भी इसकी प्लांटिंग आप फील्ड के अंदर कर सकते हो। बस एक तो गर्मी के दिनों को छोड़, महीनों को छोड़कर, जो गर्मी के दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जब, उस समय को छोड़कर, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उन महीनों को छोड़कर, या फिर जो जहाँ जब बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होती है, हैवी रेनफॉल हो रहा होता है, उन महीनों को छोड़कर इसकी कभी भी प्लांटिंग आप कर सकते हो पपीते की। प्लांटिंग सीजन्स कौन कौन से होते हैं इसके, वैसे जून से लेकर जुलाई तक इसकी प्लांटिंग करते हैं, सितंबर से अक्टूबर तक भी इसकी प्लांटिंग की जाती है, और फरवरी से मार्च के अंदर भी इसकी प्लांटिंग की जा सकती है। ठीक है। जब मौसम ओपन होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ज़्यादा बरसात भी नहीं होती और ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, उस समय इसकी कल्टिवेशन या इसकी प्लांटिंग की जा सकती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, टू मेंटेन कंटिन्यूस ग्रोथ फर्टिलाइजर शुड बी गिवन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल 4 to 6 टाइम एंड लाइट इरीगेशन शुड बी डन आफ्टर ईच एप्लीकेशन। अच्छी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू ग्रोथ करता रहे पौधा। ठीक है। क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है और ऊपर नए फूल बनते जाते हैं और नीचे वाले फल पकते जाते हैं। ठीक है। तो इसकी जो कंटिन्यूस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए इसको फर्टिलाइजर लगभग लगभग मतलब साल के अंदर 4 से 6 बार देने अच्छे रहते हैं, और उसके प्रत्येक फर्टिलाइजर देने के बाद एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है। NPK 250 ग्राम पर प्लांट एंड 40 kg पर प्लांट FYM। जो NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की जो मात्रा है, 250 ग्राम पर पौधा नाइट्रोजन, 250 ग्राम पर पौधा फास्फोरस और 500 ग्राम पर पौधा पोटाश दिया जाता है। ठीक है। प्रत्येक साल, और साथ में 40 किलो गोबर की खाद प्रति पौधे के हिसाब से दी जाती है इसके अंदर। फिर है इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग, एटलीस्ट 2 होइंग एज नेसेसरी टू कीप वीड डाउन। कम से कम 2 बार गुड़ाई करना इसके वीड को कम करने के लिए, जब उसकी अंदर कमी लाने के लिए काफ़ी रहती हैं, नेसेसरी होती हैं या कह लो कि आवश्यक होती हैं। ठीक है। कि कम से कम 2 इसमें वीडिंग करनी चाहिए, 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए जिससे कि वीड ज़्यादा ग्रोथ ना करें। इसके अलावा डायूरॉन पैराक्वाड डालापान एट द रेट 2 kg पर हेक्टर कंट्रोल मैनी वीड्स इन पपाया। इसके अलावा केमिकल यूज़ भी कर सकते हो, हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हो, जैसे डायूरॉन है, पैराक्वाड है या फिर डालापान है, 2 kg पर हेक्टर के हिसाब से आप इससे भी वीड का कंट्रोल कर सकते हो, बहुत से वीड को कंट्रोल कर सकते हो पपीते के अंदर। इसके अलावा अर्थिंग अप ऑफ द पपाया प्लांट शुड बी डन टू फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इरीगेशन वाटर। इसके अलावा जो अर्थिंग अप किया जाता है, पौधे के तने के साथ मिट्टी चढ़ाई जाती है, कहने का मतलब। ठीक है। एक तो ये पौधे को सहारा प्रदान करता है कि अगर आंधी हवा तेज चलती है तो वो पौधा गिरे ना। दूसरा, सीधा जो पानी है इरीगेशन का, सिंचाई का, वो सीधा तने के संपर्क में ना आए, कॉलर रीजन के संपर्क में ना आए, इससे भी ये बचाता है। ठीक है। इसलिए अर्थिंग अप करना भी बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ा देते हैं पौधों के साथ में, तनों के साथ में, जिससे तने के साथ में पानी भी ना लगे इरिगेशन वाला, सिंचाई वाला, और साथ में उसको सपोर्ट भी मिल जाए। फिर है एनी वेजिटेबल क्रॉप कैन बी टेकन बिटवीन 2 रोज, और कोई भी सब्जी इसके जो 2 रो होती हैं उनके बीच में उगाई जा सकती है। रिमूवल ऑफ मेल प्लांट्स, रिमूवल ऑफ मेल प्लांट्स से मतलब है कि जो इसमें नर पौधे होते हैं उनको हटाना। When flowering begins, it is much easier to uproot male plants from dioecious papaya varieties. About 5 to 10% of male plants should be left for pollination. ये बहुत ही जैसे फ्लोवरिंग स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि जो भी मेल पौधे हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको अपने निकाल सकें, उनको उखाड़ सकें। लगभग 5 से 10% मेल प्लांट को पोलिनेशन के लिए छोड़ा जाता है और जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं
जैसे भी अपने पहले भी मैंने कहा था कि इसकी जो प्लांटिंग करते हैं उसमें 3 पौधे प्रत्येक खड्डे के अंदर लगाते हैं डायोसियस किस्मों के अंदर, जिसमें से भी अपने को जितनी ज़रूरत है ठीक है उतने मेल प्लांट छोड़ दिए जाते हैं और दूसरों को निकाल देते हैं, उसमें से ज़्यादा होते हैं उन पौधों को निकाल देते हैं। इन हर्माफ्रोडाइट वराइटीज जनरली वन स्ट्रॉन्ग फीमेल प्लांट इज लेफ्ट पर पिट एंड द अदर आर अपरूटेड। और जहाँ पे हर्माफ्रोडाइट वैरायटी की किस्म बात थी वहाँ के भी आपने दो दो पौधे लगाए थे हर्माफ्रोडाइट किस्म के, तो वहाँ पे भी एक जो स्ट्रांग होता है मजबूत जो फीमेल पौधा होता है उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरे पौधों को निकाल देते हैं साथ में से। सेक्स आइडेंटिफिकेशन, अब सेक्स आइडेंटिफिकेशन से मतलब है कि अपने कैसे पता करेंगे कि मेल प्लांट कौन सा है फीमेल प्लांट क्या कौन सा है, क्योंकि डायोसियस वराइटीज़ होती हैं वो 50% तो फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करती हैं और साथ में ही 50% मेल, ठीक है मतलब जो उनका अंदर पौधे तैयार होते हैं उनके बीजों को अपने अगर बोएंगे तो उनमें से जो पौधे तैयार होंगे वो 50% तो नर पौधे होंगे और 50% उसके मादा पौधे होंगे। अब अपने को तो ओनली 5 to 10% ही जो नर पौधे हैं उनकी ज़रूरत है। अब अपने कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक फील्ड के अंदर, तो फील्ड के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड नहीं यूज़ किए जाते जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। फील्ड के अंदर तो ज़्यादातर जो फ्लोवरिंग आती है जब पुष्पन होता है उस समय ही पता चलता है अपने को कि मेल फ्लोवर वाला पौधा कौन सा है और फीमेल फ्लोवर वाला पौधा कौन सा है, ठीक है। फील्ड के अंदर तो सिंपल मेथड ही यूज़ किया जाता है उसके फ्लोवर को देख के, और जबकि जो इनको आप लैब के अंदर टेक्निकल तरीके से पता कर सकते हो कि फीमेल प्लांट कौन सा है और मेल प्लांट कौन सा है, तो इसके लिए क्या करते हैं द प्रोक्सीडेस जाइमोग्राम पैटर्न एस्टेब्लिश्ड बाय पॉलीएक्रेमाइड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ लीफ पेटियोल्स एंड रूट टिश्यूज। जो एक पॉलीसेक्राइड सॉरी पॉलीएक्रेमाइड ने के द्वारा एक पर ऑक्सीडेज जाइमोग्राम पैटर्न को स्थापित किया गया, ठीक है स्थापित किया जाता है या किया गया जिसमें इलेक्ट्रोफोरोसिस किया जाता है जो कि पत्तियों का रस या कह लो या फिर पत्तियों के जो डंठल होते हैं उनके रस से या फिर जो जड़ों के टिश्यू होते हैं उनके रस को उनका जो एक्सट्रैक्ट होता है पत्तियों का या फिर रूट टिश्यूज होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है उसका इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरोसिस विद्युतीय कह लो कि एक तरीके से उसका निरीक्षण करते हैं। तो जाइमोग्राम्स ऑफ मेल प्लांट है मोर बैंड्स देन फीमेल। जो जाइमोग्राम होता है ठीक है जाइमोग्राम उसके अंदर जो मतलब उसका ये कह लो कि एक तरीके का कंक्लूजन होता है जाइमोग्राम शो करता है उसके अंदर जो मेल प्लांट्स होते हैं मोर बैंड्स देन फीमेल। मेल प्लांट्स के अंदर बैंड आपको ज्यादा दिखाई देंगे फीमेल की तुलना में, ठीक है एक तरीके से। तो आप इस तरीके से केमिकल कह लो या लेबोरेटरी के अंदर आप इस तरीके से उसको पता कर सकते हो बायोकेमिकल तरीके से कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। दूसरा है स्टडीज ऑन द सेक्स एक्सप्रेशन ऑफ पपाया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चित्तगांव बांग्लादेश फाउंड दैट द लेवल ऑफ मोस्ट अमीनो एसिड्स वर सिमिलर इन बोथ मेल्स एंड फीमेल एक्सेप्ट फॉर प्रोलीन विच इज एबसेंट इन फीमेल प्लांट्स। जो स्टडीज है एक्सप्रेशन की पपाया जो स्टडी की गई जैसे तो ये कह लो कि जो चित्तगांव की यूनिवर्सिटी ऑफ चित्तगांव है बांग्लादेश के चित्तगांव के अंदर एक यूनिवर्सिटी है उसने इसके ऊपर रिसर्च किया, वहाँ पे उनने पाया कि जो ज़्यादातर अमीनो एसिड है बिल्कुल सेम होते हैं मेल प्लांट के अंदर भी और फीमेल प्लांट के अंदर भी, एक प्रोलिन को छोड़ के। प्रोलिन जो होता है वो फीमेल जो प्लांट होता है उसके अंदर एबसेंट होता है, प्रोलिन जो अमीनो एसिड है वो फीमेल पौधों के अंदर एबसेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रिप्टोफैन लेवल इज ट्रिप्टोफैन लेवल इन फीमेल प्लांट्स आर ट्वाइस एज हाई एज द मेल प्लांट्स। और इसके अलावा ट्रिप्टोफैन का जो स्तर होता है ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है वो जो फीमेल पौधों के अंदर ये कह लो कि दुगुना होता है 2 गुना से भी ज़्यादा होता है मेल पौधों की तुलना में, ठीक है। इसके अलावा मतलब दो जो अमीनो एसिड है इनमें डिफरेंस पाया जाता है, एक तो प्रोलीन ये तो फीमेल पौधों में होता ही नहीं है मेल पौधों में ही पाया जाता है, एक जो ट्रिप्टोफैन है वो फीमेल पौधों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है या दुगुना होता है मेल पौधों की तुलना में। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, पपाया स्टार्ट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग 5 months आफ्टर प्लांटिंग। जो पपीता है इसकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है शुरू होती है फ्रूटिंग स्टार्ट होती है लगभग 5वें महीने इसमें स्टार्ट हो जाती है, प्लांटिंग के 5वें महीने बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड राइप फ्रूट्स आर रेडी फॉर द फर्स्ट हार्वेस्ट इज अबाउट 9 to 10 months आफ्टर प्लांटिंग इन ट्रॉपिकल रीजन एंड
10 टू 15 मंथ्स आफ्टर इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो इसके फल तुड़ाई के लिए, पहली तुड़ाई के लिए जो तैयार होते हैं लगभग 9 से 10 महीने के अंदर, तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जैसे दक्षिण भारत के अंदर, ठीक है, जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है, वहाँ तो लगभग 9 से 10 महीने के अंदर तैयार हो जाता है फल तोड़ने के लिए, पहली तुड़ाई के लिए, ठीक है। और दूसरे क्षेत्र जो नॉर्थ इंडिया है, जहाँ ये कह लो कि सब ट्रॉपिकल उपोषण क्लाइमेटिक क्षेत्र है, वहाँ पे ये 10 से 15 महीनों के अंदर फल तुड़ाई के लिए, तोड़ने के लिए तैयार होता है। फ्रूटिंग कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पान ऑफ द प्लांट। इसमें जो फ्रूटिंग होती है, मैंने पहले भी बताया था कि फ्रूटिंग, इसमें ऊपर नई ग्रोथ आती जाती है और नए फूल बनते जाते हैं, कंटिन्यू चलती रहती है, फल फूल ऊपर फल बनते रहते हैं, नीचे वाले फल पकते जाते हैं, तो कंटिन्यू चलती रहती है, जैसे जैसे इसकी जितनी भी इसकी लाइफ होती है तब तक इसमें चलती रहती है। राइप फ्रूट शो येलो स्टैक्स आर हार्वेस्टेड। जो पूरे पके हुए फल होते हैं जिनके ऊपर पीले रंग की धारियां आ जाती हैं, उन फलों को तोड़ लिया जाता है, तोड़ने के बाद उनको पकाया जाता है, हार्वेस्ट करने के बाद पकाया जाता है, जैसा कि ये एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ठीक है। मैच्योर फल जो हो जाते हैं पूरा साइज ले लेते हैं और उनके ऊपर पीले रंग की धारियां आ जाती हैं, तब उनको तोड़ लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल तरीके से इसको पकाते हैं। द लेटेक्स ऑफ द राइप फ्रूट बिकम वाटरी। जो इसका लेटेक्स होता है, एक और साइन होता है, मैच्योरिटी इंडाइसेस होता है, कि जो फल होता है, फल को अगर थोड़ा सा हल्का सा चीर लगा के देखोगे ऊपर, तो उसका जो लेटेक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो पेपेन निकल रहा था व्हाइट कलर का, वो अब पेपेन वैसा नहीं रहता, वो पानी जैसी आपको रस सा निकलता हुआ दिखाई देगा, व्हाइट दूधिया स्त्राव नहीं दिखाएगा, दिखाई देगा उसकी जगह, पेपेन नहीं दिखेगा, अब पानी जैसा दिखाएगा जब वो मैच्योर हो जाएगा। पेपेन तो हमेशा जो कच्चे फल होते हैं ना, 3/4 मैच्योर होते हैं तब उसमें से निकालते हैं, तो जब वो पक जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं, तब उसमें वो जो पेपेन होता है वो पानी जैसा हो जाता है, रस बन जाता है उसका, तो उस समय उसको तोड़ लेना चाहिए। उपज जो है इसकी यील्ड 20 टू 50 फ्रूट्स पर प्लांट वेइंग 25 टू 50 केजी। एक पौधे से लगभग 20 से 50 फल जिनका वजन लगभग 25 से 50 किलो तक होता है, मिलते हैं, ठीक है, एक पौधे पे लगभग 20 से 50 फल लग जाते हैं एक पौधे के ऊपर, और जिनका वजन लगभग 25 से 50 किलो हो सकता है। इसके अलावा 40 टू 50 टन पर हेक्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल लगभग 40 से 50 टन मिलते हैं प्रति हेक्टर, और 20 से 25 टन प्रति हेक्टर सेकंड ईयर, दूसरे साल 20 से 25 टन, मतलब पहले साल उपज ज़्यादा होती है, दूसरे साल उपज कम हो जाती है, और तीसरे साल उससे भी कम हो जाती है अगर अपने प्लांटेशन उसको छोड़ देते हैं, तो फिर बाद में इकोनॉमिक नहीं रहता ये। एक्सट्रैक्शन ऑफ पपेन फ्रॉम पपाया। एक्सट्रैक्शन जो पपेन है उसको कैसे पौधे से निकाला जाता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चूज हाफ टू थ्री क्वार्टर राइप फ्रूट्स अबाउट 85 टू 90 डेज ओल्ड। पहले तो जो फल होता है ऐसे फल का चुनाव करते हैं जो लगभग 85 से 90 दिनों का पुराना होता है, या कह लो कि लगभग आधा से लेके 3/4 फल पक चुका हुआ होगा ऐसा फल, ठीक है, ऐसे फल का चुनाव करते हैं। मेक एन इंसिशन अबाउट 0.3 सेंटीमीटर डीप अराउंड द फ्रूट फ्रॉम एंड टू एंड, दैट इज इन द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, दिस इज डन इन द मॉर्निंग टिल 9 o'clock। इसके अलावा इसके बाद जो उसके ऊपर चीरा लगाते हैं, जो फल कच्चा फल है, फल कच्चे फल के ऊपर लगभग 0.3 सेंटीमीटर गहरा उसके ऊपर एक चीरा लगाते हैं, फल की लंबाई की, जैसे लंबाई होती है ना फल की, लंबा होगा नीचे की तरफ, तो उसकी लंबाई की और चीरा लगाते हैं लंबा, ठीक है, चारों तरफ एक एक चीरा लगाते हैं, ठीक है, दिस इज डन इन द टिल द मॉर्निंग। और ये ज़्यादातर जो चीरा लगाने का समय होता है मॉर्निंग के 9 बजे तक लगाया जाता है, ठीक है, उसके बाद नहीं लगाते, धूप में नहीं लगाते, गर्मी में, ठंड में लगाते हैं, जब मौसम ठंडा होता है तब लगाते हैं। कलेक्ट द लेटेक्स इन एन एरेका नट, एल्यूमिनियम ट्रे और ग्लास वेसल्स। इसके जो लेटेक्स होता है, एरेका नट का जो शेल्थ होता है, शेल्थ मतलब उसका एक गुच्छे को कवर करने वाला एक, ये कह लो कि पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बनती है जिसको शेल्थ कहते हैं, उसमें या तो रेकनट की शेल्थ के अंदर इसको इकट्ठा किया जाता है रस को, इसके जूस या लेटेक्स को, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम की जो ट्रे होती हैं उसके अंदर, या फिर ग्लास के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर इसके लेटेक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। रिपीटेड इंसिशन ऑन द अनयूज सरफेस ऑफ द सेम फ्रूट ट्राइस एट एन इंटरवल ऑफ एट लीस्ट 3 to 4 days शुड बी मेड।
इसके अलावा रिपीटेड इंसिशन मतलब उसी फल के ऊपर दूसरी बार से जहाँ पे उसके कट नहीं लगा हुआ उस तय पे फिर से कट लगाया जाता है, लगभग 3 से 4 दिनों के अंतराल पर। लगभग एक फल पे 3 बार कट लगाया जाता है, मतलब चीरा लगाते हैं हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा गहरा चीरा नहीं लगाते जिससे कि फल की क्वालिटी खराब हो, हल्का सा उसकी जो छाल ऊपर वाला छिलका होता है ना उसमें कट लगाते हैं, और ये लगभग 3 बार एक फल के ऊपर लगाया जा सकता है और 3 से 4 दिनों के अंतराल पर लगाती हैं। ठीक है, एड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 0.05% टू द लेटेक्स एंड देन लेट इट ड्राई इन द सन और लेट इट ड्राई एट 50 to 55 degrees Celsius टेम्परेचर। इसके अलावा इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जिसको मीठा सोडा या खाने वाला सोडा कहते हो उसको उसमें ऐड कर देते हैं उस लेटेक्स के अंदर। ठीक है, अबाउट 0.05% उसके अंदर ऐड कर देते हैं, उसके बाद उस लेटेक्स को धूप के अंदर सूखने के लिए रख देते हैं, या फिर इसको कई बार क्या होता है कि ओवन जो है वहाँ पे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट करके उसके अंदर भी सुखाया जाता है। मेक ए पाउडर फ्रॉम ड्राइड पपाया एंड सीव्स थ्रो ए मैश 10 mashed seeds एंड स्टोर इन पॉलीथीन बैग्स और इन एयर टाइट ग्लास कंटेनर्स। जो इसके अलावा जो इसके पपीते के फ्लैक्स बन जाते हैं, पपड़ियाँ सी बन जाते हैं, उनको पीस के ग्राइंड कर लिया जाता है, कहने का मतलब पाउडर बना लिया जाता है। उसके अलावा इसको 10 जो मैश की छालनी होती है उससे इसको छान लिया जाता है। उसके अलावा इन्हें पॉलीथीन के बैग्स के अंदर कवर या उनके अंदर इनको भर के एयर टाइट या फिर ग्लास कंटेनर के अंदर इनको पैक करके भंडारित कर लिया जाता है। इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 6 months विदाउट डिटोरेशन इन क्वालिटी। इसके बाद ऐसे एयर टाइट ग्लास कंटेनर के अंदर इसको लगभग 6 महीने तक बिना किसी गुणवत्ता में लॉस के प्रभावित किए हुए 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। द यील्ड ऑफ पपाया पेपेन इज अफेक्टेड बाई फ्रूट वराइटी साइज, फ्रूट मैच्योरिटी, सीजन, मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसके अलावा जो इसकी यील्ड है पपीते की, ठीक है, जो पपेन की सॉरी पपेन की जो उपज होती है वो बहुत से कारणों से प्रभावित हो सकती है। एक तो कि किस्म कौन सी है, क्योंकि कुछ किस्मों में पपेन की यील्ड ज़्यादा होती है, उनको स्पेशली पपेन के लिए ही उगाया जाता है, जैसे CO5 है, पुसा मजेस्टी है। ठीक है, तो किस्म के ऊपर भी, इसके अलावा फल का जो साइज़ है वो भी इसको प्रभावित करता है, जो मैच्योरिटी है फल की वो भी प्रभावित करती है। अब बहुत ही ज़्यादा कच्चे फल में चीरा लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा पक्के फल में लगा रहे हो, जहाँ एक राइट स्टेज पे लगा रहे हो वो प्रभावित करती है। इसके अलावा जो सीजन है, कई बार सीजन भी प्रभावित करता है कि आप किस सीजन के अंदर आप उसके ऊपर चीरा लगा रहे हो, या फिर जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है, या फिर आप उस ऑर्चार्ड को कितनी सिंचाई दे रहे हो, कितने मैन्यूअल फर्टिलाइजर दे रहे हो, ये भी चीज़ उस लेटेक्स की मात्रा को प्रभावित करती है कि कितना लेटेक्स। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट। फर्स्ट इंसेक्ट है एफिड माइजस परसेई, सक्स द सैप फ्रॉम द टेंडर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कॉजेस कर्लिंग ऑफ द लीव्स एंड इज ए कैरियर ऑफ डिजीज लाइक PMV। जो एफिड होता है वो ज़्यादातर जो कोमल भाग होते हैं पौधे के वहाँ से रस चूसता है, ठीक है, और पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कर्लिंग स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, प्रभाव के कारण पत्तियाँ कर्ल होना स्टार्ट हो जाती हैं, घूमना स्टार्ट हो जाती हैं, मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, कहने का मतलब, ठीक है। और ये कुछ जो वायरस डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज हैं, जैसे पपाया मोजेक वायरस है, इसको वाहक के रूप में भी काम करता है, इसका वाहक के मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर फैलाने का काम भी करता है। कंट्रोल है कीपिंग द गार्डन रिलेटिवली वीड फ्री। जो बगीचा है आपका, ठीक है, ऑर्चार्ड है, उसे अपेक्षाकृत वीड फ्री रखना चाहिए, मतलब उसमें खरपतवार नहीं उगने देना चाहिए। इसके अलावा स्प्रे मिथाइल डेमेटोन 2 ml पर लीटर और डाइमिथोएट 30 EC 2 ml पर लीटर। इसके अलावा आप मिथाइल डेमेटोन या फिर डाइमिथोएट 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करो। नेक्स्ट इंसेक्ट है वाइट फ्लाई ट्राया ल्यूरोडिस वेरिएबिलिस, बोथ एडल्ट एंड निफ सक द प्लांट सैप। इसमें भी जो इसका जो निफ होता है और जो इसका वयस्क होता है और निफ होता है, दोनों ही पौधे के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से रस चूसते हैं। रिड्यूस द विगर ऑफ द प्लांट, जो पौधे की शक्ति होती है, ओज होती है, उसको कम कर देते हैं।
ठीक है। इन सेवर इन्फेक्शन द लीव्स टर्न येलो एंड ड्रॉप, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के ऊपर, बहुत ज़्यादा ये कह लो कि इसका अटैक होने के बाद पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और गिर जाती हैं। कंट्रोल है स्प्रे ऑफ मिथाइल डेमेटोन 2 ml पर लीटर और डाइमिथोएट 30 EC 2 ml पर लीटर। इसका जो कंट्रोल है या तो फिर मिथाइल डेमेटोन का या फिर डाइमिथोएट का 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। नेक्स्ट है रेड स्पाइडर माइट टरेंचस स्पीसीज। पपाया लीव्स एंड फ्रूट्स आर अटैक्ट अटैक्ड बाय माइट्स। अफेक्टेड लीव्स टर्न येलो एंड फ्रूट्स बिकम रफ एंड ब्राउन इन कलर। जो पौधे प्रभावित पौधा होता है उसके पत्तियों के ऊपर और फलों के ऊपर ये इसकी माइट अटैक करती है। जो भी प्रभावित पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और जो फल होते हैं वो खुरदरे कह लो रफ सरफेस हो जाती है और भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है, भूरे रंग के हो जाते हैं। कंट्रोल है स्प्रे 0.05% सल्फर और लाइम सल्फर, यानी कि या तो आप सल्फर का छिड़काव करो या फिर जो लाइम सल्फर है उसका 0.05% का आप छिड़काव करो। रिपीट इट एन इंटरवल ऑफ 10 to 12 days और इसे वापस से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करो। इसके अलावा है डिजीज कंट्रोल। पहली है इसके अंदर जो फंगल डिजीज है जैसे डैम्पिंग ऑफ, ठीक है, पहली फंगल डिजीज है ये डैम्पिंग ऑफ। ये पिथियम स्पीसीज, फाइटोपथोरा स्पीसीज, राइजोकटनिया सोलेनी के कारण देखने को मिलती है, ठीक है। ज़्यादातर ये नर्सरी के अंदर प्रभाव ज़्यादा दिखाती है। ये बिकम ए कॉमन डिजीज ऑफ नर्सरीज, मतलब एक कॉमन डिजीज है नर्सरी की। अफेक्टेड प्लांट रॉट फ्रॉम नियर द सोयल एंड फॉल टू द ग्राउंड। और जो प्रभावित पौधा होता है वो कॉलर पार्ट से कह लो जब जमीन के पास में से गल जाता है उसका तना और जमीन के ऊपर ही गिर जाता है, ठीक है, टॉपल डाउन हो जाता है। हाई ह्यूमिडिटी, हाई एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन द सोयल एंड टेम्परेचर 22-25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत रहेगी। 22-25 डिग्री सेल्सियस आर सुटेबल फॉर ग्रोथ। हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा आर्द्रता होना, हाई टेम्परेचर जहाँ कह लो कि वाटर का एक्युमुलेशन होना, मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा नमी का होना, ठीक है, या फिर जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसकी ग्रोथ के लिए, इस फंगस की ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होना, पानी की अधिकता होना, आपका जो जहाँ पे आपने नर्सरी लगाई है उस जगह पे जमीन के अंदर, सोयल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना इसके लिए फेवरेबल होता है इस फंगस की ग्रोथ के लिए, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स क्या है? स्टरलाइज नर्सरी सोयल विद 2% फॉर्मेल्डिहाइड बिफोर सोइंग। जो नर्सरी की मिट्टी होती है उसको स्टरलाइज करो, जीवाणु रहित करना चाहिए आपको फॉर्मेल्डिहाइड के 2% के सॉल्यूशन से पहले, बुआई से पहले। इसके अलावा अवॉइड गिविंग टू मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी देना इसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई भी आपको नहीं करनी है, अगर आपने नर्सरी लगा रखी है तो बहुत ज़्यादा उसमें पानी नहीं देना है। इसके अलावा डू सीड ट्रीटेड विद सेरेसन एट द रेट ऑफ 2 g/kg सीड। और बीजों को सेरेसन जैसे फंजीसाइड से उपचारित करके ही बोना चाहिए, ठीक है, 2 g/kg बीज के हिसाब से उसको उपचारित करते हैं। द प्लांट शुड बी ड्रेंस्ड विद 1% ऑफ कैप्टन और बोर्डोक्स मिक्सचर। जो प्लांट्स लगे हुए हैं आपकी, पौध लगी हुई है, उसको सिंचाई पानी के साथ भी कह लो या फिर उसको 1% कैप्टन का सोल्यूशन बनाकर उससे पौधों को पानी देना चाहिए, वो पानी पौधों को देना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलर रोट। पिथियम एफिनी डर्मेटम के कारण होती है। अफेक्टेड प्लांट शो स्वेलिंग इन द कॉलर पोर्शन ऑफ द स्टेम एंड लेटर क्रैक्स अपीयर। जो अब प्रभावित पौधा होता है उसका जो कॉलर पोर्शन होता है, कॉलर पोर्शन से मतलब होता है जो जमीन के बिल्कुल टच वाला तने का भाग होता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, वो सूज जाता है, फूल जाता है और वहाँ पे क्रैक्स कह लो जहाँ उस वो फटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वहां से गल जाता है, कहने का मतलब क्रैक्स भी हो जाती है और बाद में गल भी जाता है। रिमूव कंट्रोल क्या है? रिमूव एंड बर्न द अफेक्टेड प्लांट। जो भी प्रभावित पौधा है उसको रिमूव करो, उखाड़ो और जला दो। उसके अलावा प्रोवाइड गुड ड्रेनेज मैनेजमेंट के अंदर आप उसमें अच्छी जो आपकी जल की निकासी है उसको बना के रखो, मतलब पानी वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन नहीं रहनी चाहिए ऑर्चर्ड के अंदर। इसके अलावा स्प्रे और ड्रेंच विद 1% ऑफ बोर्डोक्स मिक्सचर। जहाँ तो 1% बोर्डोक्स मिक्सचर का आपको छिड़काव करना है या फिर आप उसको ड्रेंच कर सकते हो, पानी की सिंचाई के साथ दे सकते हो पत्ती पौधे के पास पास, ठीक है, उसके जड़ क्षेत्र के पास। उसके बाद फ्रूट रॉट। फाइटोपथोरा पाल्मी बोरा के कारण होता है। इसमें दो टाइप की रोट आपको देखने को मिलेगी। पहली है फ्रम रोट अकस ऑन
अनइंजर्ड फ्रूट, जो बिल्कुल साफ सुथरा, जहाँ कह लो कि जिसपे कोई घाव नहीं है, ऐसे फल के ऊपर आपको पहले फर्म रॉट दिखाई मिलेगी, एक तरीके से कह लो कि कठोर तरीके से गलना, उसके ऊपर एक धब्बा बन जाएगा कठोर सा। फिर देन सॉफ्ट वाटर रॉट अकर्स ऑन द इंजर्ड फ्रूट, बाद में उसके ऊपर जो प्रभावित, जिसके ऊपर आप फर्म रॉट हुई है, वहां पे फिर ये एक सॉफ्ट, बहुत ही कोमल सी कह लो, वहां पे गलना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से पानी जैसा एक धब्बा बन जाएगा, ठीक है, उस जगह पे, उसी जो इंजर्ड फ्रूट है, जहां पे मतलब आपने पहले फर्म रॉट हुई थी, उसी जगह पे फिर सॉफ्ट रॉट वाला वाटर वाला स्पॉट बन जाएगा। कंट्रोल है, अप्लाई वर्जिन सोयल टू द पिट बिफोर प्लांटिंग, मतलब जो आपका जहाँ पे आप प्लांटिंग कर रहे हो, वहाँ पे हमेशा जो शुद्ध मिट्टी होती है, मतलब पुरानी मिट्टी नहीं यूज करनी है आपको, नई मिट्टी उसके अंदर खड्डों के अंदर भरो। प्रोवाइड गुड ड्रेनेज, अच्छे जल की निकासी की व्यवस्था बना के रखो। स्प्रे 1% बोर्डोक्स मिक्सचर, इसके अलावा 1% जो बोर्डोक्स मिक्सचर है उसका आपको छिड़काव करना है। पपाया मोजेक वायरस, ये अब जो डिजीज आ रही है ये वायरस के कारण होती है, PMV के कारण होती है, पपाया मोजेक वायरस के कारण ये फैलती है। द अफेक्टेड प्लांट बिकम स्टंटेड, लीव्स टर्न येलो, पेटियोल्स शो बेंडिंग डाउनवर्ड, जो प्रभावित पौधा होता है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, जब पौधा कह लो कि एकदम रुक जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां जो हो जाती हैं पीली पड़ जाती हैं। जो पेटियोल्स होते हैं शो डाउनवर्ड, पेटियोल्स जो पत्तियां जहाँ पे जुड़ी रहती हैं वो नीचे की तरफ घूम जाती हैं पेटियोल्स, ठीक है। समटाइम शू स्टिंग्स लाइक सिम्टम्स में आल्सो अपीयर, शू स्टिंग यानी पहली पहली पिक्चर जो छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको शू स्ट्रिंग्स मतलब जो फीते होते हैं शूज के, ठीक है, वैसी स्ट्रक्चर भी आपको पत्तियों की देखने को मिलेगी। इन सेवर केस द प्लांट्स में फेल टू फ्लोवर एंड प्लांट में डाई, बहुत ज्यादा अगर अटैक होता है तो पौधा फूल पैदा नहीं करता और पौधे मर जाते हैं। PMB स्प्रेड थ्रू सैप ग्राफ्ट एंड एफिड, जो पपाया मोजेक वायरस है ये जहाँ तो सैप के थ्रू, यानी कि अपने जब ग्राफ्टेड वाला आपका एक ही बडिंग नाइफ से, या फिर ग्राफ्टिंग नाइफ से, या फिर आप स्केटियर से एक पौधे, एक प्रभावित पौधे को काटते हो, उसका रफ उसके साथ लग जाता है स्केटियर के साथ, फिर आप उसी स्केटियर को बिना स्टरलाइज किए हुए दूसरे पौधे को काटते हो, तो ये इससे भी फैलता है। आप ग्राफ्टिंग करते हो उससे भी फैलता है, और या फिर एफिड जो होता है ये इसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। कंट्रोल है अप्रूट एंड बर्न, वायरस का कोई ज़्यादातर कंट्रोल नहीं किया जाता, जो भी पौधा आपको लगता है प्रभावित है उसको उखाड़ो और जला दो। और इसके अलावा कंट्रोल एफिड, जो एफिड है उसका कंट्रोल करो, उसके लिए डाइमिथोएट या फिर डेमेटोन का आप छिड़काव करो। उसके अलावा है पपाया लीफ कर्ल, ये भी एक वायरल डिजीज है, ठीक है। वेक्टर इसका है व्हाइट फ्लाई, मेमिसिया टबाकी, जो इसका वेक्टर कह लो कि जो वाहक रहता है, जिसको इसको फैलाने का काम करता है, वो व्हाइट फ्लाई है, ठीक है। पपाया लीफ कर्ल व्हाइट फ्लाई फैलाती है, और जबकि पपाया मोजेक वायरस एफिड फैलाता है, याद रखना, ठीक है। अफेक्टेड लीव्स अपियर कर्ल श्रिवल्ड एंड डीफॉर्म, जो भी प्रभावित पत्तियां होती हैं वो कर्ल हो जाती हैं, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, घूम मुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और उनकी शेप बिगड़ जाती है, डीफॉर्म्ड हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। द लीफ साइज इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, जिससे कि जो पत्तियों का आकार होता है, साइज होता है, वो कम रह जाता है, छोटा हो जाता है। कंट्रोल है अप्रूट एंड बर्न, जो भी पौधा प्रभावित है उसको खोदो और जला दो। कंट्रोल वाइट फ्लाई विद रोगर 0.03% और मोनोक्रोटोफोस 0.04%, जो भी वाइट फ्लाई है उसका कंट्रोल करो, जो उसका वाहक है फैलाने में, ठीक है, उसके लिए आप रोगर का या फिर मोनोक्रोटोफॉस का आप छिड़काव करो। थैंक यू।